रियली सॉरी मिस्टर खान, वो एक्चुअली स्टूपिड कॉकरोच ने अचानक से मुझ पे सरप्राइज अटैक कर दिया, वरना मैं डरती नहीं हूँ, ट्रस्ट मी, मैं नहीं डरती हूँ। बहादुर है कॉकरोच थोड़ा बड़ा। अयान का दिल फैसला ले चुका है और वो फैसला हुमैरा के हक में है। अयान और हुमैरा का निकाह होगा। मुझे अयान से पूछना होगा क्या वो हुमैरा से निकाह करना चाहता है या नहीं। अयान, मैं जानती हूँ कि तुम और हुमैरा बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहती हूँ कि ये बात सिर्फ दोस्ती तक है या आगे बढ़ चुकी है। घर के सब लोग तुम्हारे और हुमैरा की निकाह की बात कर रहे हैं अयान, लेकिन मैं तुमसे जानना चाहती हूँ बेटा, तुम्हारे मन में क्या है? अयान बोलो ना, अयान, 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 अल्लाह तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। अयान हेलो, असद भाई जान, असद भाई जान, अयान भाई जान की तबीयत बहुत खराब है, वो हॉस्पिटल में है, उन्हें बहुत तेज बुखार भी है भाई जान, वो भी खुशी में सिर्फ आपका ही नाम ले रहे हैं। अच्छा, तुम फिक्र मत करो, मैं आ रहा हूँ। कौन से हॉस्पिटल में हो भाई जान? उनकी तबीयत बहुत खराब है, अम्मी और अब्बू डॉक्टर से यही पूछने गए कि आखिर उन्हें हुआ क्या है। वो है कहाँ? आज के बाद तुम अयान से कभी नहीं मिलोगे, नहीं मिलोगे। तुम्हें अपनी अम्मी और अयान में से किसी एक को चुनना होगा। बाय बाय जान। भाई जान, मिलना है। आप यहाँ तक अयान भाई जान से मिलने हैं और अब आप
से मिले बिना ही जा रहे हैं। भाईजान बेहोशी की भी हालत में सिर्फ आपका ही नाम ले रहे थे। प्लीज भाईजान, अम्मी और अबू के आने से पहले एक बार आयान भाईजान से मिल लीजिए। आयान से नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकते आप उनसे? बस नहीं मिल सकते। आयान भाईजान से मिले बगैर ही क्यों चले गए? पता नहीं, लेकिन कोई बहुत बड़ी बात होगी। देखो आपके अम्मी अब्बू आए। मुझे मेरा भाई चाहिए। वाह भैया, अच्छी बनाई है तुमने। हाँ, वेरी गुड। हेलो, इधर आओ। जलेबी खाओगी? खाओगी? वेरी गुड। भैया एक प्लेट जलेबी और दो मेरी दोस्त को, और एक मुझे भी। हाँ दीदी, मेरे और भी दोस्त हैं। तो ऐसा करो, उन सबको बुला लो। पिंकी, राजू, इधर आओ जल्दी। दीदी हमें जलेबी खिला रही है। अरे वाह, ये तो सारा ग्रुप है। भैया इन सबको जलेबी दो। हाँ दीदी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ किसी को ढूंढ रही हूँ। अब किसे ढूंढ रहे हो? अपने अब्बू को। क्यों, आपके अब्बा खो गए क्या? मेरे भी अब्बू खो गए। मेरी अम्मी कहती है कि वो हमें छोड़ के चले गए। पर दीदी आप उदास मत होइए, आपको आपके अब्बू जल्द ही मिल जाएंगे। अल्लाह करे हम दोनों को हमारे अब्बू जल्द ही मिल जाए। ओके, चलो अब जलेबी खाओ। जरा सुनो बेटा। जी अंकल। तुम वही हो ना जो कुछ दिन पहले इस इलाके में एक पुरानी तस्वीर में से किसी को ढूंढ रही थी? यस यस अंकल जी। या बेटा, जब तुम चली गई थी तब मुझे कुछ इल्म हुआ था। वो तुम्हारे पास इस वक्त वो तस्वीर है? जी बिल्कुल। तो मेरा अंदाजा सही था। ये जैसी शेरवानी इन साहिब ने पहन रखी है, ये जो जिनका चेहरा तो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। जी जी, ऐसी शेरवानियां तो मेरे अब्बा की दुकान पे ही सिला करते थे और बहुत कम रईस लोग इसे पहनते थे। फिर तो अंकल आप भी अब्बू इन लोगों को जानते होंगे ना? यकीनन जानते होंगे बेटा, लेकिन अब वो कहाँ रहे बेटा? बहुत साल पहले उनका इंतकाल हो गया था। लेकिन तुम मायूस मत हो बेटा, ये पुराने लोग जो है ना, ये इनके बही खाते बहुत ही सही तरीके से रखते थे। वो मेरे पास कुछ पुराने रसीदें पड़ी हैं, मैं उन्हें निकाल कर देखता हूँ। और ऐसी शेरवानियां तो ज्यादा से ज्यादा 4-5 खानदानों में ही जाती होंगी। अंकल आपका बहुत एहसान होगा अगर आप उन लोगों में से किसी एक ही कॉन्टेक्ट डिटेल्स में मुझे दे दे बस। उसके बाद मैं अपने आप कोई ना कोई क्लू ढूंढ लूंगी। बेशक बेटा बेशक। तुम ऐसा करो बेटा कि मुझे अपना नंबर दे दो। या। और जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं तुम्हें इत्तला कर दूंगा। जी मैं देखती। तो
खुदा हाफिज बेटा। खुदा हाफिज अंकल, थैंक यू। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। उम्मीद करती हूँ कि अब मैं जल्द ही अपने अब्बू के बारे में जान पाऊंगी। असद, क्या हुआ असद, तुम परेशान क्यों लग रहे हो? ओ, आया ना हॉस्पिटल में। या अल्लाह, क्या हुआ? अभी तक पता नहीं चला। उसकी तबीयत कैसी है? पता नहीं अम्मी, पर इंतजार करने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं। आखिर मैं उससे मिलने भी तो नहीं जा सकता। यस जीजू, मैं वही कह रही हूं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द मुझे अपने तमाम सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। बस थोड़ा सा वक्त और इंशाल्लाह मैं अब्बू को ढूंढ लूंगी। बस एक बार ये वीजा की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, उसके बाद। अब कैसे हो? जीजू, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, मुझे हर पल की खबर चाहिए। अल्लाह मियाँ, what's wrong with Mr. Khan? काफी सीरियस लग रहे हैं। जरूर किसी सुपर सीक्रेट मिशन पर जा रहे हैं। यही मौका है अपना टैलेंट दिखाने का। Be ready for Bond girl, Mr. जहां बना Bond. नहीं, मैं खुद हॉस्पिटल नहीं आ सकता। Can't explain the reason right now. लेकिन मुझे आयन के प्रोग्रेस की हर मिनट की खबर चाहिए। I'm sorry आयन, जब तुम्हें अपने भाई की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो तुम्हारे साथ नहीं है। भाई भी है मिस्टर खान? ये हमारा फैमिली मैटर है, फिर इसमें अब दखल ना दें तो बेहतर होगा। For God's sake, ये झरने बहाना बंद करो। भाईजान, हमें आपकी फिक्र है। फिक्र होने से मैं ठीक नहीं होऊंगा। क्या हो रहा है यहाँ? आप लेटे क्यों नहीं है? ये लड़कियां परेशान कर रही हैं आपको। अच्छी खबर ये है कि सब टेस्ट की रिपोर्ट्स आ गई हैं और टाइफाइड भी नहीं है। अयान थोड़ा कमजोर है क्योंकि ठीक से खा नहीं रहा है। अगर ऐसा ही होगा तो रिकवर कब करेगा? क्या ऐसी कोई बात है जो इन्हें परेशान कर रही हो? डॉक्टर साहब, हम अयान को घर ले जा सकते हैं? शिरीन, ये बात डॉक्टर साहब को डिसाइड करने दो। राशिद, आप समझते नहीं हैं, अयान को हॉस्पिटल से बहुत कोफ्त होती है। घर ले जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। Hey नजमा, what's up? Hi. अच्छा आप आ गए। ये देखिए, ये वही दुपट्टा जिसके बारे में आपको बता रही थी, मेरे भाईजान ने मुझे दिया है।
कौन से भाईजान ने? असद भाईजान या अयान भाईजान? रचमा, तुमने कभी जिक्र भी नहीं किया कि तुम्हारे एक और भाईजान हैं। उनका क्या नाम है, वो क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? आई मीन, तुम लोगों के साथ क्यों नहीं रहते? I'm sorry, नजमा, ये तुम्हारा फैमिली मैटर है। दिस इज समथिंग वेरी पर्सनल। बीइंग एन आउटसाइडर, शायद मुझे नहीं पूछना चाहिए था। Really sorry. अब बाहर वाले नहीं हो जोया? In fact, आप तो मेरे इतने करीब हो कि मैं आपसे ये बात शेयर कर सकती हूँ। अयान मेरे भाईजान हैं। मेरे अब्बू ने दो शादियां की हैं। इस शहर में एक और घर है जहां मेरे तीन भाई बहन और रहते हैं। अयान, निखत और नुजत। जब होने वाली थी तब अम्मी को पता चला कि अबू का एक और घर भी है। शिरीन नाम की एक और औरत के साथ उन्होंने निकाह कर रखा है। मुझे तो ये सब बाद में पता चला, लेकिन मैं समझ सकती हूँ अम्मी का दिल किस तरह टूटा होगा। वो कई साल तक रोती रही, आज भी कभी कभी उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। लगभग उसी वक्त शिरीन को भी अम्मी के बारे में पता चल गया और वो अब्बू को छोड़कर चली गई। तब अब्बू का शिरीन के साथ एक और बेटा था, अयान। वो लगभग दो ढाई साल के थे। अब्बू अयान भाईजान को अपने साथ घर ले आए। शिरीन मुझे छोड़कर चली गई। अयान मेरा और शिरीन का बेटा है, क्या तुम उसे कबूल करोगे? तो भूपी ने अयान को पाला? अम्मी बहुत गमजदा थी और मैं भी होने वाली थी, तो उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी। अयान भाईजान की देखभाल असद भाईजान ने की। भाईजान भी कुछ 7 साल के थे। ओ, तभी दोनों में इतनी मोहब्बत है। अयान भाईजान असद भाईजान को अपना सब कुछ मानते हैं। दोनों परिवारों के बीच जो कुछ भी हुआ उसका असर कभी भी भाइयों के रिश्ते पर नहीं पड़ा। भाईजान ने मुझे कभी बताया तो नहीं, लेकिन मैं जानती थी कि वो दोनों छुप छुप कर मिलते थे। एक दो मरतबा मैंने अयान भाईजान को छुप छुप कर घर आते देखा है।
अल्लाह मियाँ, जहाँ पना को अपने भाई से चुप चुप कर मिलना पड़ता है, नो वंडर जहाँ पना के अंदर इतना दर्द और इतनी सैडनेस क्यों है। लेकिन इन दोनों भाइयों को किसी ना किसी को तो साथ लाना ही पड़ेगा।